कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे हाहाकार के बीच कई भारतीय जहां तहां फंसे हैं। जापान पहुंचे क्रूज में मेरठ के पीयूष समेत कई लोग फंसे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 64 यात्रियों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने से जापान में कलबली मच गई और जापान सरकार ने पानी के जहाज को अपनी सीमा में आने से मना कर दिया और आगामी 19 फरवरी तक जहाज अब पानी में ही रखा जाएगा, जहां जहाज में सवार यात्रियों की 14 दिनों तक निगरानी की जाएगी। मेरठ के शास्त्री नगर निवासी पीयूष वशिष्ठ पुत्र मूलचंद, जो कि गुड़गांव के सेक्टर 33 स्थित एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पीयूष के घर वालों ने बताया कि पीयूष 6 सहकर्मियों के साथ 25 जनवरी को भारत से हांगकांग गए थे। डायमंड प्रिंसेस नामक पानी का जहाज उसी दिन जापान के लिए निकला था, जिसमें 3,700 लोग सवार थे। क्रूज जापान के योकोहामा बंदरगाह पहुंचा, तब कई यात्रियों में कोरोना के लक्षण उभरे। इसके बाद जापान की सरकार हरकत में आ गई। 273 संदिग्ध लोगों की जांच में पता चला कि 61 यात्रियों में कोरोना वायरस पहुंच चुका है और बाद में 3 और लोग में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, यानी अब तक टोटल 64 लोगों में कोरोना वायरस पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है। पीयूष के घर वालों का कहना है कि सभी मरीजों को आइसोलेट कर अस्पताल में दाखिल कराया गया। बेटा कैसे हो? ठीक है। और कुछ खाया? क्या खाया? क्या खाया था? हेलो। अच्छा, और सब बढ़िया? हाँ, वीडियो कॉल करा रहे हैं। साथ वाले तुम्हारे सब ठीक है? पीयूष के कह दो। जापान के बंदरगाह पर खड़े पानी के जहाज में फंसे भारतीय दल ने शाकाहारी भोजन के लिए दूतावास से गुहार लगाई है। पीयूष ने उन्हें बताया कि क्रूज में ज्यादातर मांसाहारी हैं, रसोई में शाकाहारी भोजन की कमी है। उन्होंने शाकाहारी खाने के लिए मांग की है। पीयूष के घर वाले पीयूष से लगातार वीडियो कॉल पर संपर्क में है। गुड़गांव की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो यहाँ से हांगकांग गया था 25 तारीख को। उसको वहाँ से जापान भेजा गया शिप के द्वारा कंपनी के काम से ही। तो अभी एक्चुअली उस शिप पे ये बता रहे हैं कि वो शिप कोरोना वायरस से इफेक्टेड है, तो जापान गवर्नमेंट ने उसको शिप को अपनी सीमा में आने से मना कर दिया है और 19 तारीख तक, मतलब 5 तारीख से 14 दिन के लिए 19 फरवरी तक उस शिप को समुद्र में ही रखने का उन्होंने बोला है। और जो वहाँ पे कोरोना वायरस से इफेक्टेड लोग हैं उनको निकाल के हॉस्पिटल भेज दिया उन लोगों ने, बट बाकी लोगों को वहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं 19 फरवरी तक वहीं पे रहेगा शिप और लगातार टेस्टिंग चलेंगी उन लोगों की। अभी उससे बात हो रही है मेरी लगातार, उसको थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत हो रही थी, तो वो वहाँ के जो इंडियन एम्बेसडर हैं जापान में अनिल कालरा जी, उनसे हमारी बात हुई थी व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो कह रहे हैं अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा एक्चुअली नॉनवेज खाता नहीं है, तो शिप पे उस पर नॉनवेज की ज़्यादा मात्रा है खाने पीने की, तो यही बात उससे रात हुई है। वैसे अब वो क्या बता रहे, कब तक उनकी वापसी है? वापसी 19 के बाद ही डिसाइड होगा, जो भी होगा। 19 तारीख तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, वहाँ की गवर्नमेंट से बात हुई है, मतलब इंडियन एम्बेसडर की, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि 19 फरवरी तक कुछ नहीं हो सकता। तो आपके इंडियन एम्बेसडर से कोई बात हुई है? हाँ, मेरी कल शाम को बात हुई थी अनिल कालरा जी से। उन्होंने मतलब काफ़ी सहयोग किया चीज़ों में, बात भी अच्छे से की, समझाया हम लोगों को, ठीक है। तो लगातार उनसे भी बात चल रही है, बच्चे से भी बात चल रही है। बच्चा वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खतरा बना हुआ है कि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। किस तरीके से पता चला था कि आपको कि इस तरीके से बच्चे नहीं, बच्चे का ही बात, बच्चे से बात हुई थी तो उसने बताया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है, इतने लोगों को हो गया है। 3 दिन पहले खबर आई थी 61 लोगों को हुआ है, उसके बाद परसों खबर आई थी कि 3 लोगों को और हो गया, तो टोटल 64 लोग उस शिप में से, 3700 लोग सवार हैं शिप में, तो 64 लोग कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं कोरोना वायरस से। बच्चे की क्या कंडीशन है? वो ठीक है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट टेंशन यही बनी हुई है कि आएगा कैसे, मतलब खतरा ये है कि जब शिप पे फैल चुका है तो उसको कोई दिक्कत ना हो जाए आने वाले समय में।